मेरा नाम त्रिलोकीनाथ चौहान है और मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। 13 मई को मदर्स डे है और इस मदर्स डे पे मैं यही कहूँगा कि बार बार मुझे दुख के साथ कहने पड़ रही है कि मेरी मदर जो है 2 साल पहले एक्सपायर कर गई है, लेकिन फिर भी इस मदर डे पर मैं यही कहूँगा कि बार बार मन्नत मांगूँ कि फिर यही जहान मिले और फिर वही गोद मिले और फिर वही मेरी माँ मिले, इतना ही कहूँ। माँ, माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत वर्ड माँ, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। माँ एक ऐसा वर्ड है जिसके सुन के ही मन को सुकून पहुँचता है। माँ वो चीज़ है जिसके बिना इंसान का अस्तित्व नहीं है। माँ वो चीज़ है जिसकी बदौलत आप इस दुनिया में, आपकी एबिलिटी है, आप जिसके नाम जिसके लिए जाने जाते हो। माँ के बारे में वैसे तो शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इंसान अपने दिल की फीलिंग थोड़ी बहुत शेयर कर सकता है। बेसिकली ये कहा जाता है कि एक इंसान के पीछे, एक इंसान की तरक्की के पीछे, एक इंसान की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर वो औरत का हाथ वो उसकी माँ का होता है। माँ अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए इतनी मन्नतें मांगती हैं, इतनी दुआएँ करती हैं जिसके कि वो उसके बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे, चाहे उस माँ को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। तो एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक इंसान के पीछे, इंसान की ऊंचाइयों के पीछे, इंसान के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है, तो वो औरत का हाथ होता है उसकी माँ, वो औरत माँ होती है। मेरी माँ के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे तो सबकी माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने बच्चों के लिए 2 हाथों की जगह 12 हाथ यूज़ करते हैं, मतलब अनगिनत हाथ एक साथ अपनी माँ कितने भी काम कर सकती है, करती है अपने बच्चों के लिए। अपनी माँ, आपकी माँ, मेरी माँ पूरी रात जाग के अपने बच्चे को सुलाती है। जैसे कहते हैं ये कि मैं रात भर अपनी जन्नत में था, सुबह नींद खुली तो पाया कि माँ की गोद में हूँ। तो माँ का गोद, माँ का आँचल जन्नत ही होता है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, सब लोग अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी माँ के बिना अपने आप को सोच नहीं सकता, उनके बिना मेरा तो वजूद ऐसे था ही नहीं, उनकी बदौलत मेरा वजूद है। बट आई लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच। माई सेल्फ श्वेता बंसल एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। माई मदर्स नेम मिसेस रेखा बंसल, शी इज़ अ हाउस वाइफ। जैसे कि आप जानते हैं कि 13 मई को मदर्स डे है, इस बिहाफ पे मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। मम्मा, आई रियली रियली लव यू। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। जब भी मैंने आपसे कुछ मांगा, बिना बोले बिना कुछ जताए आपने मुझे वो दिया। तो मेरे लिए, कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जीते जागते माँ, मतलब आपके अंदर उस भगवान को देखा है। तो मेरे लिए आप क्या हो ये मैं शायद आपको कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जो आपने मुझे दिया है वो मैं आपको इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं दे सकती। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इस मदर्स डे पे मैं अपनी माँ की, मम्मी के लिए 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहती हूँ। माँ ना होती तो क्या होता, मंजिल तो होती पर रास्ता ना होता। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अरुण है और मेरी माता का नाम उषा है, उषा रानी है, और वो एक हाउस वाइफ हैं। तो 13 मई को मदर्स डे है, तो मैं अपनी माता के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी काफ़ी बहुत अच्छी हैं, वो बचपन से हमारी बहुत केयर करती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती हैं। कोई भी चीज़ हमको लगे कि ये चीज़ इनके पास नहीं है तो अपनी छोड़ के पहले हमको वो चीज़ देती हैं ताकि हम खुश रह सकें। और एज अ पंजाबी तो जो मैं 4-5 साल से घर से बाहर हूँ, तो मैं जो सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ तो मेरी मम्मी के पराठे हैं जो सुबह सुबह डेली हमको मिलते थे। तो मैं उसी के बारे में 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। आज मेरा माँ दे हटा दियाँ रोटियाँ खाण नू, बड़ा ही जी कर दे, सुते नू उठा के वो पिनियाँ खवाउंदी सी, घी पा के दुध दा गिलास मुँह नू लाउंदी सी, डब्बे च परोठे पा के टोरदी सी कॉलेज नू, जदों मैं पढ़दा सी दोस्तों। अज मेरा माँ दे हटा दी रोटियाँ खाण नू, बड़ा ही जी कर दे, लव यू मम्मी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली 13 मई को अभी मदर्स डे आने वाला है, तो
मैं सबसे यही कहूँगा कि माता जो होती है वो संसार में सब इंसान का पहला गुरु माता होती है। माँ शब्द के अंदर पूरा संसार व्याप्त होता है, इंसान की पहली गुरु माँ होती है और माँ के मन में कोई लालच नहीं होता। माँ अपनी पूरी ज़िंदगी को इंसान अपने परिवार के प्रति समर्पित कर देती है और उसके मन में कभी भी कोई लालच नहीं होता। अगर उसके मन में कोई लालच होता है तो सिर्फ वही होता है कि मेरा बच्चा और मेरा परिवार खुश रहे। वैसे और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब अभी 13 मई को माँ दिवस आने वाला है, तो आप अपनी माँ को खुश रखें और उनको खुश रखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें। और बस यही कहूँगा कि अब उनको खुश रखें। माय नेम इज जितेंद्र अरोड़ा एंड आई एम फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। 13 मई को, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 13 मई को मदर्स डे है, तो मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मेरी माँ, आई थिंक मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए वो सब कुछ है। मेरी फ्रेंड भी है, मेरी माँ भी है और सब कुछ है मतलब मेरे लिए। तो और वो इतनी अच्छी है, उनका नेचर इतना अच्छा है कि वो मेरी हर तरह से हेल्प करती है। वो मेरी नहीं, बाकी सब लोगों की, मेरी फैमिली में सब लोगों की वो हेल्प करती है और सबकी रेस्पेक्ट भी करती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो। एनिमल की भी वो रेस्पेक्ट करती है, मतलब वो किसी को भी भूखा नहीं देख सकती। तो मैं अपनी माँ के बारे में 2-3 वर्ड्स बोलना चाहूँगा और वो 3 वर्ड्स हैं, आई लव यू माँ, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। हैप्पी मदर्स डे। माय नेम इज़ सौरव राघव, माय मदर नेम इज़ सुनीता राघव, शी इज़ होम मेकर। मेरी मदर बहुत अच्छी है, वह बहुत ध्यान रखती है, समय पर खाना देती है। मैं अपनी माता का बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माँ, हैप्पी मदर्स डे। हाय, माय सेल्फ दीपक, आई लिव इन ईस्ट दिल्ली। माय मदर इज़ हाउसवाइफ। I love my mother a lot. She is so loving, caring, and she is everything for me. I can't live without her. She teaches me to be independent in my life. And on this occasion of Mother's Day, I would like to dedicate few lines for my mother. Jannat ka har lamha maine didar kiya hai. Maa, teri god mein jab bhi tune mujhe pyar kiya hai.